हेलो एवरीवन, दिस इज अनिल वालिया। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में जो मैं बात करने वाला हूँ, दीज आर द हाईली इम्पोर्टेंट 4 मार्क्स क्वेश्चन फ्रॉम दिस पर्टिकुलरली सीबीएसई बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट 4 मार्क्स क्वेश्चन को मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। एक एक क्वेश्चन का सोल्यूशन यहाँ प्रोवाइड किया जाएगा ताकि आपको कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्टी ना महसूस हो रही हो क्वेश्चन के रिगार्डिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल, इवेलुएट दिस इंटीग्रल साइन एक्स कोस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस एक्स इंटू डी एक्स -π/2 से π/2 तक इंटीग्रेट करना है। जो भी क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस किए जा रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन बाय ऑन, आफ्टर दैट यू हैव टू सी द सिंपली वीडियोस। अब देखो, इसके इंटीग्रेशन की मैं बात करूं तो क्या करूंगा, ब्रैकेट खोल दो, अंदर ले जाओ साइन एक्स कोस स्क्वायर एक्स, तो सिंपली क्या हो गया साइन क्यूब एक्स कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस। अब ये क्या हो गया, कोस स्क्वायर एक्स कोस क्यूब एक्स इंटू साइन एक्स इक्वल टू जीरो। अब हमें पता है कि साइन एक्स जो है वो ओड फंक्शन है। साइन एक्स कैसा है, एक ओड फंक्शन है। तो भैया एक टर्म सिंपली साइन क्यूब एक्स कोस स्क्वायर एंड साइन एक्स कोस क्यूब भी क्या होंगे, ओड फंक्शन ही होंगे। भैया पावर 3 आ रही ना, यहाँ पावर 1 है, दोनों ओड है, तो सिंपली अपन क्या बोलेंगे, ये दोनों भी पूरे पूरे ओड फंक्शन होंगे। जब ये दोनों पूरे पूरे ओड फंक्शन है तो अपन ने सीधी सी बात क्या कर ली यहाँ पे, तो इसके एंटायर इंटीग्रल की वैल्यू कितनी आ गई है, जीरो आ गई है। सिंपली दोनों ओड फंक्शन थे, कट गया, खत्म बात, जीरो। अब नेक्स्ट थिंग आती है, इवेलुएट दिस इंटीग्रल डी एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 9 - 25x2। 9 को क्या लिख सकता हूँ, 3 का होल स्क्वायर, 25x2 को लिख सकता हूँ 5x का होल स्क्वायर। तो सिंपली हम इसको क्या बना सकते हैं, इस चीज को 1/5 बाहर, तो यानी 3/5 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। पूरे से 25 कॉमन ले लो, सिंपली पूरे से 25 कॉमन ले लो तो 1/5 बाहर आ जाएगा, डिनोमिनेटर मिल गया। तो सिंप्लीफाई करके मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, सिंपली ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये यहाँ पे जो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला था, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सिंपली जो इंटीग्रेट करके निकल के आ रहा होता है, साइन इनवर्स की फॉर्म में आंसर निकल के आ रहा होता है। यानी सिंपली जो आंसर आता है क्या आता है कि इसके इंटीग्रल की मैं बात करूं तो साइन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी निकल के आता है। और यहाँ पे ए क्या है, ए इज सिंपली दिस वन, दिस क्या है 3/5, तो सिंपली साइन 1/5 तो एज इट इज जो बाहर था वो ये रहा, ठीक है सर। साइन इनवर्स एक्स बाय ए, ए इज सिंपली 3/5 प्लस सी, सोल्व करके 5x/3 लिख सकता हूं। तो क्या अपन ने दोनों क्वेश्चन कर लिए। नाउ मूव टू द सेकंड थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, डिफरेंशिएट द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सर ये तो डिफरेंशिएशन तो बहुत आसान है, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो प्यारे बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन बाय ओन, आफ्टर दैट अपन इसके सॉल्यूशन की बात कर रहे होंगे। चलो तो भैया सॉल्यूशन की बात कर ही लेते हैं। लेट से वाई बराबर लोग ए प्लस बी साइन एक्स अपॉन ए माइनस बी साइन एक्स। सिंपली वाई इक्वल टू लोग ए प्लस बी साइन एक्स माइनस लोग ए माइनस बी साइन एक्स। हाँ सर, क्योंकि अपने को पता है लोग ए बाई बी इज सिंपली लोग ए माइनस लोग बी। हाँ सर, ये बात तो अपने को पता है। चलो तो डीवाई बाई डी एक्स को मैं सिंपली डिफ्रेंशिएट कर दे रहा हूँ। लोग एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, लोग एक्स का डिफ्रेंशिएशन सिंपली 1/x होता है। तो 1/x इज सिंपली दिस वन टर्म, तो 1/a + b साइन एक्स इंटू डीवाई डी एक्स ऑफ ए प्लस बी साइन एक्स। नाउ माइनस ब्रैकेट स्टार्ट, लोग दिस वाले का डिफ्रेंशिएशन 1/a - b साइन एक्स इंटू इसका डिफ्रेंशिएशन। अब देखो ए का डिफरेंशिएशन तो जीरो, बी साइन एक्स का क्या हो गया, बी कोस एक्स हो गया, क्योंकि बी तो कांस्टेंट है, ठीक है। माइनस अब ये वाला जो पार्ट चल रहा है, तो 1/a b साइन एक्स। अब देखो ए कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन जीरो, माइनस बी साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, माइनस बी कोस एक्स। हाँ सर, ये वाली बात भी यहां तक अपने को समझ में आती है। जब अपन दोनों को अपने को ये सब बातें समझ में आ गई तो हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया। डीवाई बाई डी एक्स क्या हो गया, बी कोस एक्स अपॉन ए प्लस बी साइन एक्स, बी कोस एक्स अपॉन ए माइनस बी साइन एक्स। बी कोस एक्स पूरे से कॉमन लिया, एलसीएम लिया, और एलसीएम सॉल्व करके सिंपली जो आंसर आता है 2ab cos x अपॉन a² - b² sin x। आई थिंक ये क्वेश्चन तो कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था नहीं, लोग वाला सिंपल सा सवाल था। और हर क्वेश्चन देखो, यदि आप नहीं भी कर पा रहे तो द थिंग इज एक बार वीडियो का सॉल्यूशन तो देख के चले जाओ, क्या पता कुछ ऐसी चीजें एग्जाम में देखने को मिल जाए और अपना काम आसान हो जाए, ठीक है। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी की यहाँ पे बात कर रहा हूँ। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए डायमंड कार्ड इन ईच ऑफ द टू कंसेक्यूटिव ड्रॉन्स फ्रॉम ए वेल शफल्ड पैक ऑफ कार्ड्स इफ द कार्ड इज नॉट रिप्लेस्ड आफ्टर द फर्स्ट कार्ड। अपने को लगातार दो पत्ते निकालने हैं एक ताश की गड्डी से, क्या प्रोबेबिलिटी है कि डायमंड कार्ड ही बाहर आए, ये अपने को क्वेश्चन वाला बोल रहा है। तो सिंपली क्या बोल दिया, लेट ए बी द इवन ड्राइंग ए कार्ड इन द फर्स्ट रो, बी बी द इवन ड्राइंग इन द सेकेंड रो। तो भैया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हुई, 13 कार्ड में से, देखो डायमंड क्या है, सिंपली डायमंड कितने हो सकते हैं, 13 कार्ड है, 13 में से कोई एक पत्ता निकालना है, तो 13c1 टोटल कितने कार्ड्स हैं भैया, टोटल तो 52 कार्ड्स होते हैं, तो 52c1 सिंपलीफाई सॉल्व करके 1/4, ठीक है भैया। अब क्या किया, अब देखो टोटल 13 डायमंड के कार्ड थे, सुनना, एक मैंने निकाल लिया तो डायमंड के कार्ड कितने बच गए सर, 12 बच गए, ठीक है भैया। तो
तो आफ्टर ड्राइंग ए कार्ड डायमंड कार्ड इन द फर्स्ट ड्रॉ 51 कार्ड्स आर लेफ्ट आउट ऑफ विच 51 कार्ड्स आर डायमंड कार्ड. अब टोटल 52 पत्ते थे, अब एक पत्ता निकाल लिया तो पत्ते कितने बच गए, 51 कार्ड्स बच गए हैं और 12 डायमंड के पत्ते हैं. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए, सिंपली प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग मतलब ड्रॉइंग ए डायमंड कार्ड इन सेकेंड रो व्हेन ए डायमंड कार्ड हैज बीन ऑलरेडी बीन ड्रॉन इन द फर्स्ट रो. पहली बारी में एक डायमंड का पत्ता निकाल लिया, अब अगली बारी में से डायमंड की प्रोबेबिलिटी, डायमंड का पत्ता आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो सिंपली 12C1 क्योंकि 12 कार्ड्स बच गए थे अपॉन 51C1 क्योंकि 51 कार्ड्स बच गए थे, इनमें से ही तो पत्ता निकालना था, तो सॉल्व करके 14/17 आता है. नाउ रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज व्हाट, या तो ये हो या तो ये हो, सिंपली प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी विच इज सिंपली प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए. सिंपली दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर यू विल गेट एज 1/17. अच्छा सवाल था, मे बी चार नंबर में ऐसे सवाल पूछने को मिले अपने को. नाउ ITF इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से सवाल लिया गया है. Prove that 2 into 10 inverse into 10 alpha by 2 into 10 pi by 4 minus beta by 2 equal to 10 inverse sin alpha cos beta upon sin beta plus cos alpha. अब देखो एक क्वेश्चन को तो भैया वीडियो को पोस्ट करके आप एक बार खुद के लेवल पे भी सोचा करो, देन मतलब आप सॉल्यूशन पार्ट वैसे तो देख ही सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. देखो तो यहाँ पे क्या है, 2 tan theta का फॉर्मूला लगा दूं तो 2 tan theta 2 tan inverse theta सिंपली कर देता हूं मैं यहाँ पे, तो यानी 2 tan a अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर a इनटू 10 स्क्वायर b बाय b. बोलो क्या अपन ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं क्या? हाँ सर जी कर सकते हैं, तो कर लीजिए भैया. ट्वाइस ऑफ 10 a इनटू 10 b अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर a इनटू 10 स्क्वायर b, ठीक है. अब नाउ sin cos में सबको मतलब 2 tan अल्फा बाय 2 tan दिस बाय को अपन को क्या लिख दिया, 2 sin अल्फा बाय 2 cos अल्फा बाय 2 इनटू sin pi बाय 4 माइनस बीटा बाय 2 cos pi बाय 4 बीटा बाय 2. सिंपली यहां से देखो हुआ क्या है, इस स्टेप के बाद यहाँ पे सबको साइन और कोस में चेंज कर दो, एलसीएम ले लो. सिंपली सबको साइन और कोस में बदल दिया है और एलसीएम ले लिया है, द स्टेप गॉट इज दिस वन. अब क्या करना है, यहां पर सिंपली जो कट रहा है पीट रहा है सबको हटा दो और सिंपलीफाई करके ऊपर आएगा 2 साइन अल्फा कोस बीटा अपॉन 1 प्लस अल्फा 1 प्लस कोस अल्फा 1 प्लस साइन बीटा माइनस 1 माइनस कोस अल्फा 1 माइनस साइन बीटा. अब यहां से जब ये वाला जो पार्ट निकल के आएगा वो सिंपली जो अपने पास बचेगा नीचे डिनोमिनेटर की मैं बात करूं तो ये जो डिनोमिनेटर सॉल्व करके जो आएगा एलसीएम लेने के बाद वो सिंपली आएगा 2 कोस अल्फा प्लस 2 साइन बीटा और ऊपर एक क्या है 2 साइन अल्फा कोस बीटा. तो अपन सिंपली इसको क्या ऐसा लिख सकते हैं, सिंपली साइन अल्फा कोस बीटा अपॉन साइन बीटा प्लस कोस अल्फा लिख सकते हैं, दैट वुड बी द रिक्वायर्ड आंसर. यही हमें बेसिकली प्रूव करना था. अब एक डिटरमिनेंट का सवाल कर लो भैया, फाइंड द इंटरवल इन विच द वैल्यू ऑफ ए डिटरमिनेंट ऑफ ए लाइज. सबसे पहले ऐसे साइन थीटा कोस थीटा के सवाल आएंगे एग्जाम में, तो द फर्स्ट स्टेप दैट यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ इज सिंपली डिटरमिनेंट को सॉल्व कर लो. चलो भैया सॉल्व करते हैं. तो देखो भैया सिंपली मैंने इस डिटरमिनेंट को सॉल्व कर दिया और मेरे पास आंसर ये निकल के आता है. आई होप डिटरमिनेंट तो सॉल्व करना आता ही होगा अपने को. अब क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू देखो, साइन थीटा का जो वैल्यू हमें पता है माइनस वन से वन के बीच लाई करता है, ग्राफ ऐसा होता है ना, देखा होगा आपने, ये साइन पाई बाय टू यहां पर जीरो, मतलब ऐसे ग्राफ चलता रहता है. तो रेंज कहां से कहां है, माइनस वन से प्लस वन, बट साइन स्क्वायर थीटा की रेंज क्या हो जाएगी, प्लस वाले पार्ट को माइनस वाले पार्ट को भी जीरो बनाना है, तो जीरो से वन हो गया. क्यों, ग्राफ को सिंपली अपने को ऐसा शिफ्ट कर देना है, जीरो से वन तक की तो रेंज है, जीरो से वन मैक्सिमम वन जा सकता है. यदि यहां पे प्लस वन वैल्यू है तो ग्राफ की ये वाली वैल्यू कितनी होगी, माइनस वन, तो रेंज कितनी होगी, प्लस वन से माइनस वन. वाई की वैल्यू ही तो रेंज होती है. तो देखो साइन स्क्वायर थीटा का रेंज क्या हो गया, जीरो से प्लस जीरो से वन. साइन जीरो जीरो होता है और साइन 91 होता है, इसलिए यहां पे इक्वालिटी का साइन आया है. अब दोनों साइड वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा ऐड कर दो, ठीक है, यानी वन से टू रेंज हो गई. दोनों साइड यदि वन वन ऐड कर दिया, ठीक है सर आपने वन वन ऐड कर दिया दोनों साइड, देखो यहां पे वन 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 सब ऐड कर दिया, तो वन लेस देन इक्वल टू वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा लेस देन इक्वल टू टू. सिंपली इसको मैं क्या लिख सकता हूं, अब टू से सबको मल्टीप्लाई भी कर दो, दोनों साइड टू से मल्टीप्लाई कर दिया, तो सिंपली जो आंसर निकल के आ रहा है देखो 2 into 1 plus sin square theta. सर आप ये क्यों फाइंड आउट करवा रहे हैं, क्योंकि प्यारे बच्चों डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नथिंग बट 2 into 1 plus sin square theta, इसलिए अपने को चाहिए. तो a का वैल्यू कितना आ गया, 2 से 4, तो यानी सिंपली a जो डिटरमिनेंट है उसकी रेंज क्या हो गई, 2 से 4, क्लोज इंटरवल में आएगा क्योंकि 2 भी एग्जिस्ट कर रही है और 4 भी एग्जिस्ट कर रही है. बोलो ऐसा सवाल आपने कर लिया या नहीं किया.
हालांकि मैं बहुत पेशेंटली चीजों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं, बट द प्यारे बच्चों समय की किल्लत है, वरना और बढ़िया ढंग से अपन और बढ़िया बढ़िया बातें कर रहे होते हैं, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजों को अपन यहाँ पे टच कर रहे हैं ताकि आपके एग्जाम में आपको कुछ ना कुछ हेल्प जरूर मिल पाए। और हालांकि मुझे पूरा यकीन है आपको बहुत बढ़िया हेल्प मिल रही है इन सब वीडियोज को देखते हुए। चलो भैया बात करते हैं सिंपली, जीरो से पाई एक्स इंटू साइन क्यूब एक्स डी एक्स, सिंपलीफाई करके 2/3 निकालना है। चलो भैया तो इसके सोल्यूशन पार्ट की बात कर लेते हैं। सिंपली इस इंटीग्रल को आई बोल दिया, यहां पे पूरे को मैं जीरो से पाई तो पाई माइनस एक्स से रिप्लेस कर दूं, एक बार एक्स को रिप्लेस कर दो पाई माइनस एक्स से, ठीक है भैया। या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं जीरो से पाई, क्योंकि साइन क्यूब पाई माइनस एक्स इज सिंपली साइन क्यूब एक्स। क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि भैया क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में भी साइन थीटा पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में भी साइन थीटा क्या होता है? पॉजिटिव होता है, फर्स्ट में तो होता ही होता है। तो पाई 180 में से कुछ घटाया तो भी साइन का कुछ वैल्यू ऐसा आएगा जो पॉजिटिव ही रख रहा होगा, इसलिए साइन क्यूब एक्स डीएक्स लिख दिया। दोनों दोनों को ऐड कर दो, दिस इज सिंपली वन इक्वेशन, दिस इज सिंपली टू इक्वेशन। दोनों को ऐड करके क्या होगा भैया? पाई एक्स वाला टर्म गायब हो जाएगा, एक्स एलिमिनेट हो गया, तो पाई इंटू साइन क्यूब एक्स डीएक्स हो गया, पाई बाहर हो गया। साइन क्यूब एक्स को, साइन क्यूब एक्स को अपन ने क्या लिख दिया? साइन स्क्वेयर एक्स इंटू साइन एक्स, ठीक है। अब क्या किया दोनों को, सिंपली साइन स्क्वेयर थीटा को मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 cos² थीटा या सिंपली 1 cos² x। हाँ सर लिख सकते हो, तो लिख दो इंटू, ये कुछ नहीं है यहाँ पे, इंटू साइन एक्स है, ये एज इट इज साइन एक्स एज इट इज ये रहा, क्योंकि हमने बताया कि साइन स्क्वेयर एक्स प्लस कोस स्क्वेयर एक्स इक्वल टू वन होता है, तो सिंपली इसको क्या लिख सकता हूँ 1 cos² x, जो यहाँ लिख दिया। अब क्या करो, कोस एक्स को लेट कोस एक्स बी टी, कोस एक्स को टी मान लिया तो साइन एक्स डी एक्स क्या हो गया? माइनस डी टी हो गया, क्योंकि कोस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स। देखो अब लिमिट्स भी चेंज हो जाती है प्यारे बच्चों, लिमिट अक्सर बच्चे एग्जाम में चेंज नहीं करते जिससे उन्हें थोड़ी सी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। सोचो कैसे करते हैं, लेट से जब एक्स का वैल्यू जीरो था तो कोस जीरो, सिंपली यहां पे मैं बात करूं तो सिंपली कोस जीरो क्या हो गया? जीरो हो गया, कोस जीरो तो वन होता है, कोस जीरो क्या हो गया? वन हो गया। जब एक्स का वैल्यू पाई था तो कोस पाई क्या हो गया? सर ये तो माइनस वन होता है, तो ये तो टी वाली लिमिट्स आई है ना, हाँ तो नई लिमिट्स क्या हो जाएंगी? माइनस वन से वन की हो जाएंगी प्यारे बच्चों। इस तरह से अपने को लिमिट्स का ख्याल रखना पड़ता है। तो लिमिट्स क्या हो गई यहां पे देखो, जब ये वाली चीज कब आई है? जब x इक्वल टू जीरो था, और माइनस वन कब आया? जब x इक्वल टू वन था, जो पाई था सॉरी। तो अपने को लिमिट्स क्या हो गई? वन से माइनस वन, वन माइनस टी स्क्वायर डीटी। अब वन माइनस टी स्क्वायर डीटी का तो इंटीग्रेशन सारी दुनिया को पता है, टी माइनस टी क्यूब बाई थ्री। लिमिट्स क्या है? माइनस वन से वन, और अपन ने क्या किया सिंपली माइनस वन से वन की लिमिट है, और सिंपली यहाँ पे पाई तो बाहर चल ही रहा है, तो यहाँ से सिंपली जो आंसर सॉल्व करके आएगा वो 4π/3 आएगा। बोलो सवाल अच्छा था क्या? आप लोगों को समझ में आया? आई होप आया गया होगा। ये वाला सवाल इस पूरी सीरीज का, पूरे लेक्चर का मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो लिख लो मोस्ट इंपॉर्टेंट। लास्ट ईयर भी सेम क्वेश्चन को मैंने डिस्कस किया था, ये ऐसे टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आए थे। देखो क्या बोल रहा है, फाइंड द लेंथ एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट दिस टू द प्लेन दिस। लेट से कोई ये प्लेन है, इस पॉइंट से डाला फुट ऑफ द परपेंडिकुलर पे, तो भैया लेंथ और कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या होंगे? लेट से 7, 14 और 5 है, तो ये वाले कोऑर्डिनेट्स, लेट्स ओ बी द पॉइंट, तो क्या होंगे ये वैल्यूज अपने को निकालनी है। अच्छा सवाल है, ध्यान से देखना कैसे करना है, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है वैसे तो। लेट एनी लाइन पी, दिस पी लाइन इज पासिंग थ्रू P with a coordinate of 7, 14 and 5 is perpendicular to this plane. The plane is simply 2x plus 4y minus z equal to 2. Shall I write in this way? कि x, ये x, y, z coordinate मान लो, x, y and z coordinates. हाँ सर जी मान लिए। चलो भैया आपने इनको x, y, z coordinates मान लिया, तो simply मैं लिख सकता हूँ कि s x minus 7 by 2 equal to y minus 14 by 4 and z minus 5 by minus 1. ये minus 1, ये 4 और ये 2, ये रहा ही। और जो ये चीज अपने पास 7 और 4 और 15, 7, 14 और 5, ये रहे कोऑर्डिनेट 7, 14 और 5, इनको इक्वल टू लैम्डा कर दो, तो जो एन पॉइंट निकल के आएगा क्या आएगा? एक्स माइनस 7/2 बराबर लैम्डा, तो सिंपली एक्स क्या आ गया? 2λ+7। इसी तरह वाई कोऑर्डिनेट, इसी तरह जेड कोऑर्डिनेट। अब जब ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, इस पॉइंट पे लाई कर रहे हैं, सिंपली ये सारे पॉइंट्स एन के जो नए पॉइंट्स आए हैं ये वाले, यदि ये इस प्लेन में लाई कर रहे हैं तो इसके अंदर एक्स वाई जेड का वैल्यू कंटेन कर रहे होंगे, तो ये जो नए पॉइंट्स आए हैं इनको इस प्लेन की इक्वेशन में डाल दो, सबको डाल दो सिंपली इस प्लेन की इक्वेशन में, तो अपने को लैम्डा का वैल्यू निकल के आएगा। लैम्डा को वापस इसके अंदर n कोऑर्डिनेट्स में पुट कर दो, तो अपने को फुट ऑफ परपेंडिकुलर मिल जाएंगे, विच इज सिंपली 128। बोलो
बहुत इंपॉर्टेंट अप्रोच है, ध्यान से सुनना। सबसे पहले इस लाइन की इक्वेशन लिख लो जो इसके परपेंडिकुलर हो, इस प्लेन के परपेंडिकुलर हो और इस पॉइंट की बात हो रही हो। लैम्डा की टर्म्स में इक्वेशन लिखी, एनी पॉइंट विच लाई ऑन द लैम्डा, तो लैम्डा की वैल्यू निकाल ली। जब प्लेन में वो पॉइंट आ गया, ये रहा प्लेन, इस प्लेन में ये पॉइंट आ गया, तो सेटिस्फाई करवा दो एक्स वाई जेड की जगह, लैम्डा निकालो, लैम्डा को वापस इसके अंदर डालो, एन का कोऑर्डिनेट्स आ गए। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो भैया प्लीज इस चीज को ध्यान में रखना अपने लिए। तो फिर अब देखो लेंथ भी पूछी है, पहले पूछा था फुट ऑफ परपेंडिकुलर, अब लेंथ निकालनी है तो सिंपली डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो। ये कोऑर्डिनेट्स पता है, ये कोऑर्डिनेट्स पता है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के डिस्टेंस भी निकाल लो, 3√21 आएगी। बोलो कर लिया या नहीं किया? तो प्यारे बच्चों जितने भी क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस किए गए काफी काफी इंपॉर्टेंट हैं, प्लीज साथ बने रहना, और कुछ डिमांड है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बता दो। मेरी बेस्ट विशेज आप लोगों के साथ हमेशा है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कीप स्टडिंग, रॉक द एग्जाम, माय बेस्ट विशेज आर ऑलवेज विद यू, गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।